पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस, किसके कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ रहे थे, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द हुमरस, तो उसके अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। इसके फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन ने पहले की वीडियो में देखा था, हमने देखा था कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर क्या होता है, ये किस तरह से अपन को देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लेक्शन टाइप एंड एक्सटेंशन टाइप अपन देखते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसका डिस्प्लेस्ड कैसे होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे होता है इस तरह से। उसके बाद अपन इसके डायग्नोसिस देखे थे ऑन एग्जामिनेशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर अपन ने देखा था इसके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स में अपन ने इसके थ्री टाइप्स देखे थे, एक तो था क्लोज डिडक्शन और ओपन डिडक्शन एंड कंटिन्यूशन ट्रेक्शन, ये तीनों अपन ने पढ़े थे। तो उसके बाद अपन आज देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस, ये सब का जो पहले का पढ़ा हुआ है पहले की वीडियो में है। और ये जो फ्रैक्चर है काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, मतलब कभी 8 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का, कभी 16 मार्क्स का, तो ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये फ्रैक्चर। तो अपन अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस को अपन ने डिवाइड किया है 3 तरह से, एक तो है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। इसको अपन ने डिवाइड किया है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे, कि जब जिस टाइम फ्रैक्चर हो रहा है उस टाइम क्या होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अगर वो लेट स्टेज पे चला गया तब क्या होगा। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस अपन को कब देखने को मिलते हैं, अपन को देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर, जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है ना उस टाइम अपन को देखने को मिलेगा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद आता है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलेगा विद इन 2 to 3 days, जब फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अपन को अर्ली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है लेट कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलते हैं वीक्स 2 मंथ, या अपन को वीक्स 2 मंथ के बीच अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन पढ़ेंगे इंजरी टू द ब्रेकियल आर्टरी एंड इंजरी टू नर्व। इमीडिएट में यह है कि ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी या फिर नर्व की इंजरी देखने को अपन को मिलेगी। उसके बाद अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आता है वोल्कमार्क इस्थिमिया, ये अपन पढ़ेंगे अब। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशंस में आता है माल यूनियन, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन एंड वोल्कमार्क इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये भी जो भी तीनों कॉम्प्लिकेशंस है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अपन इसको देखेंगे, पहला वाला इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन ने देखा था कि अपन दो पढ़ेंगे, एक तो है ब्रेकियल आर्ट्री का और एक नर्व का। तो अपन पहला देखेंगे ब्रेकियल आर्ट्री का, तो इंजरी टू द ब्रेकियल आर्ट्री, तो ये किस कारण से होता है, ये होता है जो सुप्राकोंडाइलर जो फ्रैक्चर हुआ है ना उसके डिस्प्लेस्ड के कारण ये अपन को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंजरी हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी की। तो ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी क्यों हुई है, कि मान लो किसी एक ऐसा तो मतलब नुकीली चीज़ के कारण अगर इंजरी हुई है, उस पार्ट को कट लग गया है या फिर वो पार्ट डैमेज हो गया है, अपन बात कर रहे हैं प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट्स के बारे में, तो उस कारण से अपन को ये इंजरी देखने को मिल सकती है। तो ये डैमेज है ये वेरी करता है कि कितने प्रेशर से अपनी बॉडी पर चोट लगी है और आर्टरी का कितना पार्ट डैमेज हुआ है, वहाँ के सराउंडिंग एरिया पर कितना डैमेज हुआ है, तो ये सब केस टू केस डिपेंड करता है। और उसके बाद तो आप थोड़ा इस फिगर को देख के, इस डायग्राम को देख के भी समझ सकते हो, यहाँ पर इंजरी हुई है, यहाँ पर आर्टरीज वगैरह निकल रही है, तो अगर इनका फ्रैक्चर होगा तो ये कहीं ना कहीं ये भी डैमेज होगी आर्टरीज वगैरह यहाँ पर। तो इस आर्टरीज के कारण क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, तो जो जहाँ भी ये सप्लाई करती है वहाँ के सबके जो कोलेटरल लिगामेंट, सॉरी कोलेटरल मसल्स, लिगामेंट जो भी होते हैं उन सबको सप्लाई करती है, ताकि वो सब लाइव रह सकें और जो हैंड है वो ठीक से वर्क कर पाए, इस कारण से वो सप्लाई करती है। बट लेकिन अगर फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म की जो फ्लेक्सर मसल्स होती है अगर वो इस्टेमिक हो जाए, मे सफ़र इस्टेमिक डैमेज, तो उसके कारण से अपन को वोल्कमार्क इस्टेमिया देखने को मिलता है। तो इस्टेमिया का मतलब होता है कि मान लो किसी भी जगह से जो आर्टरीज वगैरह है वो डैमेज हो गई, और डैमेज होने के कारण जो ब्लड सप्लाई जो कर रही थी वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो इस उस एरिया के जो भी टिश्यू सेल्स वगैरह है वो धीरे धीरे डाई होने लगेंगे, वो मरने लगेंगे, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जिंदा किस कारण से रहेगी वो, तो वो धीरे धीरे मरने लगेगी, उनकी डेथ होने लगेगी, तो उसको अपन कहेंगे वोल्कमार्क इस्चिमिया। और जिस जिस एरिया को फंक्शन, जो कि जिस एरिया को सप्लाई कर रही थी और उसका जो फंक्शन, जो उसका फंक्शन था वो सब लॉस हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन भूल जाएंगे। तो उसके बाद आता है अगर वेस्कुलर कंप्रोमाइज है, मे बी सीवियर, सीवियर है, तो अपन को गैंग्रीन भी देखने को मिल सकता है।
अगर कुछ ज़्यादा सीवियर है तो अपन को उसके कुछ और ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। उसके बाद आता है इंजरी टू नर्व। अगर नर्व में इंजरी हो गई है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? मीडियल नर्व में अगर इंजरी हुई है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट अपन को देखने को मिलती है इसकी इंजरी। और रेडियल नर्व की भी इंजरी अपन को समटाइम्स देखने को मिलती है, इसकी इंजरी हो जाएगी। और उसके बाद स्पोटेनियस रिकवरी अपन को देखने को मिलती है, अकर्स इन मोस्ट केसेस। तो अपन ने देखा था इसके कॉम्प्लिकेशंस अपन ने डिवाइड किया था 3 तरह से, इमीडिएट, उसके बाद अर्ली आता है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में अपन देखेंगे वोल्कमार्क इशिमिया। इशिमिया के बारे में अपन ने बात किया था, और मैंने आपको बोला था कि सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पे वोल्कमार्क इशिमिया हो रहा था, ताकि जो मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रही थी। तो अपन इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो ये वोल्कमार्क इशिमिया जो है, ये एक इश्चेमिक इंजरी है। ये अपन को देखने को मिलती है मसल्स में, एंड जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है फोर आर्म का, वहाँ की जो नर्व्स है वहाँ पर अपन को इश्चेमिक इंजरी देखने को मिलती है। इसके कॉजेज हो सकते हैं अकल्सन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी बाय सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो हो रहा था उसके कारण जो ब्रेकियल आर्टरी है उसकी ब्लॉकिंग हो जाएगी, या कि या फिर वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी। तो ये सब आपको देखने को मिलता है इशीमिया के कारण ही अपन को ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वो ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाएगा तो वर्क नहीं कर पाएगी ठीक से। जो एरिया को सप्लाई करती है वो एरिया ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, वहाँ की सेल डेथ होने लगेगी। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के कारण अकल्सर अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में है अगर वोल्कमार्क इशीमिया हो रहा है, यहाँ पर भी इशीमिया इशीमिया सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोल्कमार्क इशीमिया हो रहा था तो उसके कारण से अपन को देखने को मिलेगा, इसके रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलेंगे। फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोरआर्म, जो फोरआर्म की जो फ्लेक्सर्स जो मसल्स थी उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश हो जाएगी, मतलब ठीक से उसकी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। और जो आर्टरीज अपन को सप्लाई करती मसल्स को वो होते हैं इंट्रोसियस आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, जो सप्लाई करती है मसल्स को, मोस्ट ससेप्टिबल ऑफ इस्केमिक डैमेज। तो अपन को सबसे ज़्यादा इसके अंदर अपन को इंजरीज और इस्केमिया देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ दिस आर्टरी इज एन एंड आर्टरी। ओके, क्योंकि ये उधर की एंड आर्टरी होती है, जिस कारण से अपन को ये देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद है मोस्ट इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्या होती है, कौन सी मसल्स होती है? फ्लेक्सास पोलिसिस लॉन्गस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस से मसल्स के नाम है, और ये इफेक्टेड हो सकती है इस कारण से। और इन सब के कारण से अपन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। अगर जो मसल्स होती है वो इस्केमिया हो गया उसके अंदर तो वो लीड्स करती है, उसके कारण से अपन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं इसके डायग्नोसिस, कि अपन इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अपन ने देखा था कि चिल्ड्रंस में अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है, तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या होगा, जो फोर आर्म है वहाँ पर सीवियर पेन होगा, क्योंकि ये सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर है ना, तो वहाँ पर फोर आर्म पर इसको पेन होगा। और जो उसके जो फिंगर्स के मूवमेंट है वो करने में अनेबल होगा। और जो इस्टेमिक जो पेन होता है ना वो ज़्यादा होता है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका पेन कम होगा, लेकिन इस्टेमिक जो पेन होता है ना वो ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद आता है स्ट्रेच पेन, वेन फिंगर्स आर एक्सटेंड्स पैसिवली। अगर अपन को उसकी जो फिंगर्स है उसके मूवमेंट करवाएंगे पैसिवली तो उसको वहाँ पे स्ट्रेच पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो कंप्लेन करता है पेन की, जो फोर आर्म है वहाँ पर फ्लेक्सर जो आस्पेक्ट होता है वहाँ पर पेन बताता है कि मेरे को उसको ज़्यादा पेन हो रहा है। और वहाँ पर स्वेलिंग और नमनेस अपन को देखने को मिलेगी ओवर द फिंगर्स, टेंडरनेस भी अपन को देखने को मिलेगा। ऑन प्रेसिंग द फोर आर्म मसल्स, अगर फोर आर्म मसल्स को अपन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे अपन को टेंडरनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स। तो अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको ना जो एक्सटर्नल स्प्लिंट्स देंगे और बैंडेजेस देंगे। उसके बाद जो चिल्ड्रन का जो फोर आर्म है जहाँ उसको पेन हो रहा था उसको एलिवेट करेंगे, और चाइल्ड है उसको इनक्रेज करेंगे मूवमेंट्स करने के लिए। किसके मूवमेंट्स? फिंगर्स के मूवमेंट। अगर फिर भी वो ठीक से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, विद इन 2 आवर्स के अंदर वो ट्रीट नहीं हो रहा है और कोई अपन को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो अपन उसकी वहाँ पर फेस्टियोटोमी परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। तो ये था इसके कुछ ट्रीटमेंट्स अर्ली कॉम्प्लिकेशंस का वोल्कमार्क इस्टिमिया। अब आता है इसका थेरेपी
थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो कि है लेट कॉम्प्लिकेशंस। इसके अंदर अपन तीन कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। अपन ने यहाँ पर देखा था इसके तीन कॉम्प्लिकेशंस, एक तो है माल यूनियन मायोसाइटिस एंड वोल्कमन इस्केमिक कॉन्ट्रेक्शन। तो पहला अपन पढ़ेंगे माल यूनियन। ये जो माल यूनियन जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अगर ये कुबाइटल वेरस डिफॉर्मिटी अपन को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, और इसको अपन कह सकते हैं गन सॉक डिफॉर्मिटी भी अपन इसको कह सकते हैं। ये किस कारण से होती है, फ्रैक्चर न्यूनेट्स विद डिस्टल फ्रैगमेंट टिल्टेड मीडियली एंड द इंटरनल रोटेटेड। अगर जो फ्रैक्चर है उसका रिडक्शन ठीक से नहीं हो पाया है, या फिर किसी भी कारण से वो ठीक से जुड़ नहीं पाई है, फ्रैक्चर जो बोन थी ना फ्रैक्चर ठीक से जुड़ नहीं पाया है, और उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिला है कि वो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो टिल्ट हो गया मीडियली एंड इंटरनल रोटेशन उसका हो गया, और वो इसी तरह से जुड़ गई। तो अपन को ये वाली जो डिफॉर्मिटी है अपन को देखने को मिलेगी। जो माल यूनियन किस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है, फेलियर गुड रिडक्शन। अपन ने मान लो गुड रिडक्शन नहीं किया, तो गुड रिडक्शन नहीं हुआ तो वापस जो फ्रैक्चर है वो अपने अलाइनमेंट में नहीं आया। अलाइनमेंट में नहीं आया तो मान लो किसी भी तरह से वो एक दूसरे से जुड़ गया, तो अगर वो फेल हो गया, अपने रिडक्शन कर लिया और वो फेल हो गया, तो अपन को माल यूनियन देखने को मिल सकता है। और डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर प्लास्टर, अगर मान लो कोई फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है और अपन ने उसको रिड्यूस नहीं किया, उसको ठीक से मतलब एक जगह पर नहीं लाया, उसके ऊपर अपन ने प्लास्टर लगा दिया, तो वो गलत तरह से जुड़ जाएगी। तो इसी कारण से अपन को माल यूनियन देखने को मिलता है, और अपन ने कहा है सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है, क्योंकि हो सकता है अब मान लो अपन इंट्रोडक्शन किया है तो नहीं हुआ वो ठीक से, और अपन उस पर ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर में अपन ने प्लास्टर लगा दिया तो भी देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक गन सॉक डिफॉर्मिटी है। यहाँ पर हो गया था फ्रैक्चर, इसका अपन ने ठीक से रिडक्शन नहीं किया, और रिडक्शन नहीं हुआ तो ये जो बोन थी वो इसी तरह से जुड़ गई, जबकि इसके साथ सीधा जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से यूनाइट हो गई। तो अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा गन सॉक डिफॉर्मिटी, ये गन की तरह अपन को देखने को मिल रहा है ये हैंड। और मान लो अपन इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने पर भी ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस कारण से ही अपन ने इसको कुबाइडस वेरस डिफॉर्मिटी कहा है, और गन सॉक डिफॉर्मिटी अपन ने इसको कहा है। तो आगे इसका ट्रीटमेंट आता है, ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अगर ये माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, तो अगर ये माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो अपन इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट बॉडीली डिफॉर्म्ड एल्बो, लेकिन जो बॉडीली डिफॉर्म्ड एल्बो है तो अपन उसको करेक्ट करना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट अपन कर रहेंगे सुप्रा कोंडाइलर करेक्टिव ऑस्टियोटोमी अपन करवाएंगे, जिसको अपन को फ्रेंच ऑस्टियोटोमी भी अपन कहते हैं। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे, किसका, माल यूनियन का। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपन रिडक्शन टेस्ट से करें और डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन ठीक करें। उसके बाद अगर तो उसके बाद अपन को ज़्यादा ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, एक्टोपिक न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड द एल्बो जॉइंट। जो एल्बो जॉइंट होती है ना, वहाँ के अराउंड में अपन को न्यू बोन फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और इस कारण से वहाँ पर अपन को स्टिफनेस भी देखने को मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट अपन कराएंगे अगर अर्ली स्टेज में एंड लेट स्टेज पे अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अर्ली स्टेज में क्या, अपन इसको एल्बो स्लैप दे देंगे 4-3 वीक्स के लिए, उसके बाद उसका मोबिलाइजेशन अपन स्टार्ट करवा देंगे एल्बो का। अगर लेट स्टेज है तो अपन क्या करेंगे, मायोसाइटिस बोन का इंसिजन करेंगे एंड आर्थोप्लास्टी ऑफ द एल्बो का इंसिजन अपन करेंगे। इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एल्बो रिगेनिंग फुल रेंज ऑफ मोशन आर लिटिल। मान लो अपन ये ट्रीटमेंट कर जाए, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिलता है कि इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़े बहुत अपन को मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आता है इसके अंदर वोल्कमान इश्चेमिक कॉन्ट्रेक्शन। वोल्कमान इश्चेमिया के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था कि मान लो कोई ब्लड सप्लाई जो हो रही है या फिर जो आर्टरी है वो रपच्चर हो गई है, या फिर उसके अंदर कोई इंजरी हो गई है। तो जो मान लो ये मसल है और ये इसको सप्लाई कर रही है, अगर ये किसी कारण सप्लाई नहीं कर पाएगी तो इस मसल का क्या होगा, इस टिश्यूज का क्या होगा, ये मरने लगेंगी, और ये अपना जो वर्क कर रहे थे ना वो खो देगी और वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस सब के कारण से अपन को इसका कॉन्ट्रेक्चर देखने को मिलेगा, जिसे अपन कहते हैं वोल्कमान इश्चेमिक कॉन्ट्रेक्शन, शॉर्ट में अपन इसको कहेंगे VIC। तो यहाँ पर भी ये लिखवा है कि ये वोल्कमान इश्चेमिया का सिक्वेंस है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो अपन इश्चेमिक जो मसल्स होते हैं ना उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय
फाइब्रस टिश्यूज के साथ। तो इसके कारण से जो फ्लेक्शन होता है ना वहाँ पर, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ड्रॉस रिस्ट एंड फिंगर्स इनटू फ्लेक्शन, तो ये फिर अपन को ये देखने को मिलता है। और अगर मान लो जो पेरिफेरल नर्व है वो अफेक्टेड है, तो वहाँ पे अपन को सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, मोटर पैरालिसिस देखने को मिलेगा इन द फोरआर्म एंड हैंड के अंदर। उसके बाद आते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स देखने के पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। ये यहाँ पर वोल्कमार्क इस्केमिक कॉन्ट्रेक्शन VIC का डायग्राम है, तो आप देख सकते हो अपन इसके अंदर जो पढ़ाता है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन है वो फॉर्म हो गए हैं। तो अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अपन को देखने को मिलेगा जो फोरआर्म है वहाँ पे एट्रोपी हो गई है विथ फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर। उसके बाद जो स्किन है, स्किन ओवर फोरआर्म, फोरआर्म के ऊपर की जो स्किन है, जो हैंड है वहाँ पे, वो अपन को ड्राई एंड स्कली देखने को मिलेगी। जो नेल है वहाँ पर भी अपन को एट्रोपिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड वोल्कमार्क साइन हेल्प डिसाइडिंग कॉजेज ऑफ फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी। जो वोल्कमार्क के जो साइंस अपन को देखने को मिलते हैं वो हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि जो फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी हुई है फिंगर्स की वो किस कारण से हुई है, तो ये अपन को हेल्प करता है। उसके बाद है, तो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो वोल्कमार्क साइन है वो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि कौन से कॉजेज है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं वोल्कमार्क साइंस, ठीक है। तो ये किस कारण से हो रहा है, ऑन स्टैंडिंग द रिस्ट द फिंगर्स गेट फ्लेक्स एट द एंटेरोफेलेंजियल जॉइंट बिकॉज वेन द रिस्ट इज एक्सटेंडेड, अगर रिस्ट एक्सटेंडेड है सो टर्न्ड फ्लेक्सर मसल्स टेंडन यूनाइट इज स्ट्रेच ओवर द फ्रंट ऑफ द रिस्ट रिजल्टिंग द फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर्स, अपन ने देख लिया ये। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में है माइल्ड डिफॉर्मिटी एंड मॉडरेट। जो माइल्ड डिफॉर्मिटीज का करेंगे करेक्टेड बाय, इसको करेक्ट करेंगे प्रेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्टेड मसल्स, पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स की यूजिंग टर्न वोकल स्प्लिंट्स इसके थ्रू। उसके बाद आता है और वोल्कमार्क की स्प्लिंट अपन इसको कह सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडरेट डिफॉर्मिटी में क्या होगा, तो अपन इसके अंदर ऑपरेशन कराएंगे मेस फेज ऑपरेशन। और अगर सीवियर डिफॉर्मिटी है तो बोन ऑपरेशन सच एज शॉर्टनिंग ऑफ द फोरआर्म बोन, कार्पल बोन इंसिजन एक्सेट्रा, ये अपन सब परफॉर्म कराएंगे मे बी रिक्वायर्ड। ये था सीवियर के लिए। ओके तो आज अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द हुमरस, जिसके अंदर अपने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देख लिए। तो ये था सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द हुमरस, इस तरह से हुआ था फ्रैक्चर एक्सटेंशन टैप एंड फ्लेक्शन टैप। तो ये दोनों में अपन देख लिया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या थे या इसके टाइप्स क्या है, अपन ने देख लिया किस तरह से डिस्प्लेस्ड होता है, ये भी अपन ने देख लिया। और अपन इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, ओपन रिडक्शन क्लोज रिडक्शन, वो भी अपन ने देख लिया, स्टेप्स अपन देखे थे। तो ये कंप्लीट होता है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द हुमरस।